हेलो दोस्तों, मैं अभी छात पर आया हुआ हूँ और मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि हम लोगों के साथ मिस्त्री है, कांच कैसे कटिंग होता है। ठीक है, जैसा कि बहुत रिस्क वाला का मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो टूट जाता है। ठीक है, तो वो कैसे कटिंग किया जाता है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इधर तो शुरू करते हैं, यहाँ पे देखो जय जय भोले के नाम से शुरू करते हैं। हाँ, ओम नमः शिवाय। केरासिन डाल जाऊंगी नीचे को ही बहुत थोड़ा रखा। हाँ तो यहाँ पे मैं पका के रखा हूँ इस तरह से। आइए, की तेल है केरासिन, देखो ये इधर से कि उधर तक खींच दिया, पारा है शायद, देखा आप लोगों ने। ये फटाक से टूट जाएगा, मतलब ये इस पर उस पर नहीं हुआ है। यहाँ पे आप लोग देखो उसके ऊपर में कुछ दिया और किस तरह से टूटेगा इसको मैं पकड़ा, कटा नहीं मना है। बाबा देखा देखा आप लोगों ने, पूरा जहाँ से जहाँ तक खींचा था वहाँ तक वो कटिंग हो चुका है। और इस साइड तो कटने जरूरत नहीं, इस साइड तो कटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कटना होगा। हैं? इसका जो किनारा है इसको भी कटा जाएगा इस तरह से। ये है मार्कर, अब वो है फीता। वो लोग नहीं ना हैं? ये तो मैंने जा। तो यहाँ पे ये खींच दिया है लाइन। ठीक है, चिपे अच्छे। देखा आप लोगों ने कितना बढ़िया से कट चुका है। और तो कटा दरकार नहीं, एटा निकले हो ये आबार कटते हो, इसको थोड़ा बहुत पॉलिश भी करना जरूरी है। इसका जो धार है वो धार तो कट जाएगा इसके चलते, इसको इस तरह से घुस रहा है। और सामान देखो ये है, ये है काटिंग करने का मशीन। ए जंद्रो का दाम को दो, ए जंद्रो का दाम को दो, तो वो 1200 रुपये। तो इसका दाम है 1200 रुपया। जापानी यंत्र, ये देख की लगाना चाहे, की लगाना चाहे डायमंड। तो कांच का जो कटिंग होता है डायमंड से होता है, और ये जो डायमंड है आप लोग जानते होंगे या देखे होंगे कि डायमंड कहा जाता है कि बहुत चमकीला होता है, घंटा चमकीला होता है। चलो देखा लोगों ने कि कांच कैसे कटिंग होता है। और जो डायमंड की बात अगर हम लोग करते हैं तो मिस्त्री तो मेरे को बोला 1200 रुपया, छोटा सा है। ठीक है, अब बाकी उसका दाम कितना है नहीं है, लेकिन चमकता तो नहीं है। ठीक है, तो कौन सा डायमंड है, डायमंड का भी कैटेगरी होता है। आई होप ब्लॉग आप लोग ठीक ठाक लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रख देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।